ये मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस मोटर के साथ ये 1 एचपी की मोटर है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर है। इसका मॉडल नंबर है GF6779। ये मोटर भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर के साथ चलाएंगे। इस ट्रेनर को के साथ चलाने के लिए हमने वेरिएबल एसी वोल्टेज पैनल के ऊपर बना रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो ही इनपुट लीड्स होती हैं। ये वाली जो इनपुट मोटर है ये क्लास बी इंसुलेशन के साथ है। इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी वैल्यू होती है 50/63 माइक्रोफेरेड 275 वोल्ट्स। इसमें जो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, इसमें अगर आपको उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो आपको लाइन और न्यूट्रल की में जो आप कनेक्शंस ये रेड और ब्लैक लगाएंगे, इनको आप अगर इंटरचेंज कर देंगे तो क्लॉकवाइज से उल्टी चलकर ये एंटी क्लॉकवाइज में चलने लगेगी। इसको रन करने के लिए जो हमने सर्किट यूज़ किया है, मैं आपको वो पिछली वीडियो में मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम इसमें वेरिएबल एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे। ये भी वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर्स की मोटर्स है जो कि हम उसमें आपको रन करके दिखाएंगे।